आप हैं सुशील के साथ और मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए एक अपनी नई वीडियो जो कि है पोर्चुलागा के ऊपर। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने पोर्चुलागा की सीडलिंग की थी 4 फरवरी 2018 को। ये इस एक मेरे पास ये एक जूते का डब्बा था, मैंने इसके अंदर ही मिट्टी डालकर ये सीडलिंग की थी और इसमें से मैंने बहुत सारी पौधे निकालकर अब ये अलग अलग प्लांट कर लिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने एक ये कितनी सारी अलग अलग पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं। कुछ पर तो अब फूल भी आने शुरू हो गए हैं, ये देखिए कितना सुंदर फूल आ रहा है। और ये मैंने बहुत सारी इससे पौधे तैयार किए हैं, ये देखिए एक येलो कलर का फूल आ रहा है। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। ये देखिए ये एक अलग कलर का है, ऑरेंज कलर का है, ये येलो कलर का है। और ये वो डब्बा है जहाँ पर मैंने ये सीडलिंग की थी। दोस्तों मैंने सीडलिंग पहली बार की है और मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने जो गलतियाँ की हैं वो आप ना करें। जो मैंने इनसे सीखा है, मैंने ये सीखा है कि जो ये मैंने सीडलिंग की थी इसके बारीक इतने इसके बीज इतने बारीक बारीक होते हैं कि वो मैंने ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिए थे जो कि बहुत पास पास गिर गए। अब क्या हुआ, जो ये पौध आ रही हैं ये इतने पास पास हैं कि ये इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। वैसे तो मैंने इसमें से बहुत सारी जैसे जैसे पौधे बड़ी होती रही मैं इनमें से निकालता गया, लेकिन अभी मैंने देखा कि बहुत सारी पौधे मेरी मर गई हैं, इसमें उन्हें पूरी ग्रोथ नहीं मिली। इसका मैंने जहाँ तक ये किया अनुभव किया है कि जो इतने बारीक ज़्यादा बारीक बीज होते हैं इनको जब हम सीडलिंग करते हैं तो इनकी स्प्रिंकल करते समय एक सावधानी बरतनी चाहिए कि बीजों में थोड़ा सा सैंड रेत मिला लेना चाहिए और फिर इन्हें स्प्रिंकल करना चाहिए। उससे क्या होता है, ये इतने पास पास बीज नहीं डलेंगे और सभी बीज को बढ़ने की पूरी जगह मिलेगी। अब वैसे तो मैंने बहुत सारे बीज इसमें से निकाल लिए हैं, बहुत सारी पौधे तैयार हो गई हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेरा अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा बारीक बीज हैं तो आप उसमें उन बीजों में को जब आप छिड़के हैं मट्टी में तो आप उसमें पहले थोड़ा सा रेता मिला लीजिए। उससे क्या होगा, जब आप उन्हें छिड़केंगे तो वो ज़्यादा नज़दीक नज़दीक नहीं होंगे। देखिए कितने नज़दीक नज़दीक पौधे हैं और जो कि बढ़ नहीं रही हैं, बहुत सी तो इनमें से मर भी गई हैं। खैर ये तो एक अनुभव है, जो देखिए आदमी जो भी काम करता है उसे सीखता ही है। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर भी मैंने बहुत सारी पौधे इससे तैयार कर ली हैं। देखिए ये इसमें 3-4 पौधे लगाई है मैंने निकाल के, ये काफ़ी ग्रोथ हो रही है। और ये देखिए ये देखिए ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 पौधे मैंने अलग अलग इन डब्बों में निकाल के अलग अलग कर लिए हैं और जो अब अच्छी ग्रोथ पे हैं। और आने वाले टाइम में ये जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये और ज़्यादा फूल देंगे। अभी आज 1 अप्रैल है, देखिए अभी और भी बढ़ेंगे ये पौधे। कुछ पौधे उसमें से निकाल के दोस्तों मैंने देखे यहाँ पे भी ट्रांसप्लांट की थी। ये मैंने बोतलों को काट कर ऐसे वर्टिकल गार्डन बनाया था अपना एक, और इसमें मैंने पौधे लगाई थी। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी एक, वो आप चाहे तो देख सकते हैं, मेरी वीडियोस के जो कलेक्शन है उसमें है, बनाई थी मैंने वीडियो। ये देखिए इस पे फूल भी आने शुरू हो गए हैं, ये येलो कलर का बहुत सुंदर फूल आ रहा है और इसमें थोड़ी ग्रोथ कम है, अभी इस पे फूल आ गया है। और ये देखिए दोस्तों इस पे भी इसकी भी ग्रोथ सही चल रही है, इसकी तो बहुत ही अच्छी हो रही है और इसकी भी अच्छी है और इसकी भी और अच्छी है। मैं एक बात देख रहा हूँ कि जो ये सबसे ऊपर की बोतल है इसमें कम ग्रोथ है और जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो ग्रोथ ज़्यादा ही ज़्यादा हो रही है। देखना पड़ेगा ऐसे क्यों हो रहा है, या तो नीचे वाले को पानी देर तक मिलता है क्योंकि ऊपर का जितना भी पानी जिसके नीचे आता है वो सबसे लास्ट में नीचे वाले को मिलता रहता है, हो सकता है ये कारण हो। सबका जो पानी टपक रहा है उसके साथ में जो न्यूट्रिएंट्स हैं ऊपर वाले बोतलों में मैंने जो काट
खाद वगैरह डाल रखी है, वो शायद ही सब इसमें आ जाता होगा, इसलिए ग्रोथ इसको ज़्यादा मिल रही है। खैर जो भी कारण है, अच्छा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और कुछ यहाँ पर लगा रखी हैं, ये मैंने अभी लगाई थी, ये इस पर डेट भी पड़ी हुई है, देखिए ये मैंने ट्रांसप्लांट की थी 23/3/2018 को। ये अभी इनकी ग्रोथ अभी कम है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी तो इनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। देखिए दोस्तों, कुछ पौधे मैंने यहाँ पर इन गमले में भी ट्रांसप्लांट किए हैं। ये देखिए, ये है, ये है, एक ये है, इस गमले में भी ट्रांसप्लांट की हुई है। ये देखिए छोटी छोटी, उसमें बढ़ नहीं पा, जहाँ पर मैंने सीडलिंग की थी वहाँ पर बढ़ नहीं पा रही थी, इससे बड़ी हो नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने इन्हें छोटी छोटी को ही इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया है। ये पौध बाजार से लाया हूँ मैं, ये भी मैंने इसमें लगा दिए क्योंकि जगह की कमी है, तो मैंने इसमें चारों तरफ ये छोटी छोटी पोर्चो लगा लगा दी है और बीच में ये पौधे लगा दिए हैं। देखते हैं, अगर हो सका, अगर ज़्यादा बड़ी हुई तो इनको अलग कर देंगे, वरना इसमें ही चलती रहेगी। ये वो डब्बा है जहाँ पर मैंने सीडलिंग की थी। काफ़ी अच्छा सीडलिंग का एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, अच्छा है। वैसे तो नर्सरी पर जब हम ये पौधे लेने जाते हैं, तो पिछले साल जब मैं गया था तो ये 10 रुपये की एक पौध दे रहे थे वो, अब तो ये काफ़ी, मैंने 25-30 पौधे तो अपने अलग अलग ही कर लिए, और 30 रुपये के बीज आए थे ये इसके, तो पैसे तो वसूल हो गए दोस्तों। ओके दोस्तों, और आने वाली गर्मियों में बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही मैं ये सारे जो बॉक्स हैं फूलों से भर जाएंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल के बटन को भी दबा देना, जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, बाय, सी यू, टेक केयर, ओके बाय।